नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात में एक बार फिर से कहा है कि नए भारत पुराने ढर्रे पर चलने को तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर। CAA और फिर या फिर NPR ये सब वापस नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों को इशारों में दी चेतावनी। जी हाँ, सब कुछ खबर विस्तार से। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आप भारत बंद के नाम पर आज भारत बंद पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। यूपी में CM योगी के डर से नागरिकता संशोधन कानून और NPR का नहीं हुआ विरोध। इस बीच यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भीम आर्मी के ऐलान में कई युवकों को लिया हिरासत में। बदर अली को भी किया है नजर बंद। जी हां, शिक्षा से अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं कल। नमस्ते ट्रंप को लेकर अहमदाबाद में तैयारियां पूरी। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं अहमदाबाद। सब कुछ खबर विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी नागरिकता संशोधन कानून का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दी कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात पे बोले, नया भारत पुराने ढर्रे पर चलने को तैयार नहीं है। अब एक नया भारत बन रहा है, इसलिए इस देश में सभी लोग नए भारत बनने में समर्थन करें, और जो इसको पीछे करने की कोशिश करेगा उसका खामियाजा भी ना पड़ेगा। जी हां, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 62वें मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए हुनर हाट से लेकर चाय की बात तक, चाय बात से लेकर स्कूल के छात्रों की शिक्षा को लेकर जिस तरीके से एग्जाम चल रहे हैं, और इस पर आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात में पीएम मोदी ने एक एक बातें इस बार फिर से उन्होंने दोहराई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक बातों पर छुआ है, और यही कारण है कि फिर से नागरिकता संशोधन कानून देश भर में हो रहे चल रहे विरोध को लेकर पीएम मोदी ने संजय कसा है। पीएम मोदी ने कहा है कि अब देश आगे बढ़ चुका है और एक नए भारत में हम अपना एंट्री कर चुके हैं, और नया भारत अब पीछे देखने को तैयार नहीं है। ये नया भारत इस देश के 65% युवाओं से मिलकर बना है। इस देश के 65% युवाओं का जोश, जुनून, जज्बा है, और नए भारत में बनने के बाद अब ये देश पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश को बैक करने की कोशिश कुछ लोगों की, कुछ शक्तियों की ताकत है। लेकिन ये देश आज जिस देश में युवाओं की प्रतिनिधित्व 65% हो, वो देश पीछे नहीं जाने वाला है, और कोई भी फैसला अब वापस ले लिया नहीं जाएगा जिससे कि देश को फिर से नुकसान हो और देश पुराने रास्ते पर चले। ऐसे में कोई भी काम ऐसा नहीं किया जाएगा जिससे देश पुरानी स्थिति में आए। यानी पीएम मोदी का साफ साफ निशाना नागरिकता संशोधन कानून हो या फिर NPR जैसे कानून को लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि कोई भी कानून वापस नहीं लिया जाएगा। इस बीच आज भारत बंद भी बुलाया गया था, उसका हाल जान लेते हैं। दरअसल आज भारत बंद पूरी तरीके से हुआ फ्लॉप, खासकर यूपी में CM योगी के डर से भारत बंदियों ने नहीं की है अराजकता, ना ही तोड़फोड़, ना ही कहीं आगजनी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत बंद का असर देश के कई हिस्सों में तो कुछ देखने को मिला है, लेकिन यूपी के CM योगी के गढ़ उत्तर प्रदेश में भारत बंद का असर और नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर जिस तरीके से लोकतंत्र का खिलवाड़ किया गया था अगले भारत बंद में, पहले इसके पहले वाले भारत बंद में, इस बार कुछ भी देखने को नहीं मिला है। यही कारण है कि ना कहीं आगजनी, ना तोड़फोड़, ना हिंसा, और ना ही हम बात करें तो प्रदर्शन ही किया है। बात करें मुस्लिम युवाओं में तो उन्होंने कहीं भी प्रदर्शन आज नहीं किया है। मुस्लिमों के कहीं ना कहीं तबके कुछ प्रदर्शन में शामिल जरूर हुए हैं, लेकिन इस बीच मेरठ में कुछ न कुछ उत्पातियों ने उत्पाद मचाने की कोशिश की, लेकिन CM योगी की पुलिस ने उन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लोगों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल भीम आर्मी के भारत बंद के ऐलान के इनपुट में पुलिस प्रशासन शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। यूपी पुलिस चारों तरफ चाक चौबंद की हुई थी। हर जिले में तैनाती के साथ साथ पुलिस अलर्ट पे थी। लेकिन आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी इस बार 21 दिसंबर की तरह कोई भी काम नहीं किया, और इस बार जहां कहीं भी छुटपुट प्रदर्शन हुए भी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करके घर चले गए हैं। लेकिन ना तो हिंसा के नाम पर, ना ही आगजनी, कुछ भी देखने को नहीं मिली। ऐसे में माना जा रहा है कि CM योगी की योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से दिसंबर में हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी, उसके बाद अब उन प्रदर्शनकारियों पर पूरी तरीके से CM योगी का जो डंडा है उसका डर इस बार भी दिखता साफ सा दिखा, और यही कारण है कि आज CA विरोधी भारत बंद में CM योगी का डर साफ साफ उन प्रदर्शनकारियों में झलका। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि ट्रंप को नमस्ते कहने के लिए अहमदाबाद तैयार, गुजरात पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोमवार को अहमदाबाद यात्रा के मद्देनजर उनके स्वागत के लिए गुजरात का यह एक शहर तैयार हो चुका है।
ट्रंप के दौरे को लेकर गृहमंत्री अमित शाह गुजरात पहुंच चुके हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो रोड शो करेंगे और यहाँ के क्रिकेट स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में संयुक्त रूप से जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अधिकारी और सुरक्षा एजेंसी अमेरिकी राष्ट्रपति की शहर की यात्रा को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जुटी है। साबरमती आश्रम के अधिकारियों ने बताया है कि अपने रोड शो के दौरान ट्रंप के आश्रम के दौरे को लेकर अनिश्चितता के बावजूद मोदी के साथ उनके आगमन की संभावना को देखते हुए सारी तैयारियां कर ली गई है। महात्मा गांधी के प्रस्ताव के दौरान देश के स्वतंत्रता संग्राम में साबरमती आश्रम मुख्य केंद्र था। योजना के मुताबिक अहमदाबाद हवाई अड्डे पहुंचने पर अमेरिकी राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया जाएगा। यहां से मोदी और ट्रंप 22 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। रोड शो के दौरान दोनों नेता शहर के मोटेरा इलाके में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम पहुंचेंगे। अधिकारियों का अनुमान है कि रोड शो के मार्ग में करीब 1,00,000 लोग जुटेंगे। इस रोड शो को अहमदाबाद नगर निगम ने इंडिया रोड शो नाम दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए किया ट्वीट, कहा भारत आपकी अगवानी के लिए है उत्साहित है तैयार। जी हां, पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए ट्वीट किया और 24 और 25 फरवरी को भारत दौरे पर आ रहे ट्रंप गुजरात स्थित अहमदाबाद स्थित मोटेरा स्टेडियम में लोगों को संबोधित करेंगे और फिर साबरमती आश्रम भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश ट्रंप यूपी स्थित आगरा जाकर ताजमहल का दीदार भी करेंगे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज पूरा गुजरात एक आवाज़ में नमस्ते ट्रंप कहने को उत्साहित है। इससे पहले 11 फरवरी को प्रधानमंत्री ने ट्रंप और अमेरिका से प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप के लिए वेलकम ट्वीट किया था। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि हिंदुस्तान शिखर समागम में एक बार फिर से ओवैसी बोला, एनपीआर होगा तो एनआरसी जरूर होगा। जी हां, एक बार फिर से एनपीआर को लेकर जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान शिखर सम्मेलन में एनआरसी का विरोध करते हुए कहा है कि अगर देश में एनआरसी की गई तो देश के 8 करोड़ मुसलमान इससे बाहर हो जाएंगे। इसके साथ ही ओवैसी ने एनडीए सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे में आकर हमसे धार्मिक स्वतंत्रता पर बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर हम अमेरिका को अपने दोस्त समझ रहे हैं तो ये तो हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। इस तरीके की बातें ओवैसी ने कहा। इसी के साथ उन्होंने स्पष्ट किया है कि एनपीआर इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एनआरसी, यानी एनआरसी का पहला रूप एनपीआर है। और इसे उन्होंने इस देश की जनता से अपील, खासकर मुसलमानों से अपील की है कि ऐसा किसी भी फॉर्म को ना भरें, ऐसा कोई भी कागज़ ना दिखाएं। एनपीआर को लेकर, जनगणना को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साफ साफ मंच से भड़काता हुआ दिख रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुलना, मोदी के मजबूत नेतृत्व का प्रतीक। सीएम योगी आज पहुंचे अयोध्या में। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त नेतृत्व का प्रतीक है। मैं अयोध्या वासियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी व गृहमंत्री अमित शाह का अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का गठन होने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने दर्शन नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी के सशक्त और मजबूत राष्ट्र को लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि सीए प्रोटेस्ट, अब जाफराबाद में सड़कों पर उतरी महिलाएं, मेट्रो स्टेशन बंद। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में शाहीन बाग की तर्ज पर अब जाफराबाद में भी महिलाएं उतर गई हैं और मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया है। दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट को बंद करा दिया। इस स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन रुकेगी ही नहीं। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ राजधानी दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार को रात को सैकड़ों की तादाद में महिलाएं विरोध में उतर आई हैं। वे लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। 500 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली रोड को ब्लॉक कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब केंद्र सरकार सीए कानून वापस नहीं लेगी तो वे सड़कों से नहीं हटेंगे और ये सड़क सीलमपुर को मिर्जापुर और यमुना बिहार से जोड़ती है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने जाफराबाद मेट्रो स्टेशन क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब लगातार इन लोगों का आक्रामक रुख बढ़ रहा है। ऐसे में अब गृहमंत्री अमित शाह, माना जा रहा है कि ट्रंप के जाने के बाद कुछ बड़ी बैठक करके इन प्रदर्शनकारियों पर फाइनल वार कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधायक का दावा, सीए के खिलाफ विधानसभा में अगर उद्धव ठाकरे ने नहीं लाया प्रस्ताव तो कांग्रेस पार्टी समर्थन पर करेगी विचार। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भले ही महाविकास आघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हों, लेकिन
कांग्रेस पार्टी और एनसीपी मीडिया से बातचीत करते हुए वो जग जाहिर कर देते हैं कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून और एनपीआर महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस शासित किसी भी राज्य में नागरिकता संशोधन कानून या फिर एनपीआर नहीं लागू किया जाएगा। हमने सरकार में महाविकास आघाड़ी की अगर सरकार बनी है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, हमें ऐसा कोई भी कानून राज्य में हमारे अपने गठबंधन के समर्थन में ये नहीं लागू होने देंगे जो मुसलमान विरोधी हो। इस तरीके की बातें कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर कहा है। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे पीछे नहीं हटते हैं, विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव नहीं लाते हैं, तो फिर हम अपने समर्थन पर विचार करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड साफ है कि वो विरोध करेंगे नागरिकता संशोधन कानून का, और इस देश से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। वो विरोध करते रहेंगे चाहे उनका वोट बैंक पूरी तरीके से केवल और केवल उनका वोट बैंक मुसलमान ही बनकर रह जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। अगर आप भी पुरजोर समर्थन करते हैं और योगी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री शाह के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।